दिल्ली में आज से बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू, 18 फरवरी तक चलेगा राष्ट्रीय अधिवेशन। लखनऊ राजभवन में लगाई गई शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी, सीएम योगी ने किया उद्घाटन। मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। किसान आंदोलन के बीच यूपी सरकार का बड़ा फैसला, आगामी चुनाव को देखते हुए 6 महीने के लिए हड़ताल पर पाबंदी। वायु शक्ति 2024 में सिर्फ एक दिन का समय बाकी, वायुसेना ने तैयारियों में झोंकी जान। युद्धाभ्यास जैसलमेर में होने वाला है, लेकिन इसकी गूंज पाकिस्तान तक सुनाई देगी। सिपाही भर्ती में सेंध की कोशिश, ठगी की कोशिश में 22 गिरफ्तार, अलग अलग जिलों से गिरफ्तारी। जेनरिक दवा उद्योग के हितों की रक्षा के लिए भारत ने की EFTA की शर्त खारिज, देश के जेनरिक दवा उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। आईटी सेक्टर में लौटने वाले हैं अच्छे दिन, नैसकॉम के मुताबिक 2024-25 में आईटी कंपनी की आमदनी में देखने को मिल सकती है अच्छी ग्रोथ, बेहतर हायरिंग की भी उम्मीद। यूपीआई के साथ नेपाल का NPI होगा लिंक, तेज गति के साथ क्रॉस बॉर्डर भुगतान होगा संभव। जनवरी में डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक 1.25 करोड़ रहा, सालाना आधार पर 4.69% की हुई ग्रोथ। साल 2023 में दिल्ली NCR में बिके रिकॉर्ड 87,818 करोड़ रुपए की फ्लैट्स, गुरुग्राम का है 63% योगदान। महाराष्ट्र के लोग कार और कॉमर्शियल व्हीकल खरीदने में है सबसे आगे, वहीं कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में उत्तर प्रदेश है सबसे आगे, सीएम की रिपोर्ट में खुलासा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पिछले 8 सालों में किसानों में बांटा गया 1.54 लाख करोड़ रुपए का मुआवजा, साल 2016-17 में शुरू की गई थी योजना। भारतीय कंपनियों ने जनवरी महीने में $6.1 बिलियन के 182 सौदे किए। ग्रांट हॉर्टन के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल दिसंबर की तुलना में 15% ज्यादा। IT और ऑटो शेयरों में खरीदारों के चलते शानदार तेजी के साथ बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स 376 अंक की तेजी के साथ 72,426 पर बंद। अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में किए 55 साल पूरे, AI ने दिया बिग बी को खास तोहफा। रूस यूक्रेन में मैदान में बड़ी खबर, रूसी सेना ने किया जेलेंस्की के एक और शहर पर कब्जा, पूरे यूरोप के लिए बड़ा झटका। इस बुलेटिन में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहें यूथ न्यूज ऑनलाइन के साथ।